भाजपा सरकार में मंत्री रहे अजय चंद्राकर ने एक ऐलान से सियासत गरमा गई है। उन्होंने कहा कि कुरुद में अपनी जीत के बाद आभार रैली उन्होंने की और इसके बाद हुई सभा में उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर एक भी किसान के खाते में 10 दिन के अंदर कर्ज माफी का पैसा आता है तो वो विधायकी से इस्तीफा दे देंगे और इसके लिए चाहे कोई भी कांग्रेसी आकर शर्त लगा ले। चंद्राकर ने 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक सरकार के कामकाज के 10 दिन का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भी वादा नहीं निभाती। चंद्राकर ने ये तक कहा कि इस बार भी कांग्रेस अपना वादा नहीं निभा सकेगी और ये 27 दिसंबर को सिद्ध हो जाएगा। इधर कांग्रेस ने भी अजय चंद्राकर की चुनौती को कबूल कर लिया है। आपको बता दें कि अजय चंद्राकर राज्य में महत्वपूर्ण मंत्रालय के अलावा वित्त निगम भी संभाल चुके हैं, लिहाजा उनकी चुनौती को सिर्फ सियासी नहीं माना जा रहा है। अब तक ऐसा लोग माफ हो है और वो पर खाता मांगे हम राहुल गांधी की इज्जत रखे हैं। कोई माई के लाल में ताकत नहीं कि गोरुप के उपेक्षा कर कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं है और उसके नेता की कोई विश्वसनीयता नहीं है। मैंने बहुत बड़ी बात कही, 10 दिन 17 तारीख से 10 दिन 26 तारीख होगा किसी किसान के खाते में पैसा आ जाएगा, उस दिन मुझे बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ से चली गई है, वे अब धरातल पे आए और माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने बनते शपथ देते ही घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ किया जा रहा है। ये शायद उन्होंने उनके भाषण को नहीं सुना होगा, उनको क्लिप को सुन ले उसके बाद में कोई टिप्पणी करें।